जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बल्ब अगर 10 मीटर दूर है उसके स्विच से, तो स्विच ऑन करने पर चार्जेस स्विच से डायरेक्ट बल्ब तक पहुंचता है और फिर बल्ब ग्लो करता है। पर ऐसा नहीं होता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। एंड टू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। As I said earlier in the last class, drift velocity plays a very important role to understand the science behind current and to be very specific, Ohm's law. हाँ, ये वही Ohm's law है जो हम लोगों ने class 9-10 में पढ़ा था, that current through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. पर इस बार Ohm's law मतलब V equals to IR सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझते हैं, मतलब स्विच ऑन करने पर होता क्या है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेट्स अंडरस्टैंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अक्रॉस जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता है, तब उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रैंडमली मूव करते हैं। ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, इन दिस केस थर्मल एनर्जी लाइक टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, तो एटम के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करने के बाद फ्री हो जाते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन आयन से जाके टकराते हैं। कोलिजन होने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंस बैक करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन होने पर एटम के लास्ट ऑर्बिट में जाके बैठ जाते हैं और आयन अपने लास्ट ऑर्बिट से किसी और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसा हमें यहां दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इतने आराम से मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड से रैंडमली मूव करता है। The thermal speed of free electron is very high. अब इतने सारे electrons को एक साथ analyze करना बहुत tough है। तो specifically किसी एक electron के motion पर हम लोग नजर डालते हैं। कुछ समय के लिए इस electron पर अगर ध्यान दे, तो ये electron कहीं जा नहीं रहा। घूम फिर के वो यहीं आसपास कहीं रह रहा है। कभी यहाँ, कभी यहां, तो कभी यहां, मतलब वो इसी रेंज में कहीं रह रहा है। दिमाग पे जोर डाले तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इट विल जेनरेट करंट। बट अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहीं जा ही नहीं रहा, इसीलिए रैंडम मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे करंट नहीं डेवलप होगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक टाइम में ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है और यहां तक पहुंचता है। अब हम लोग इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाय कनेक्टिंग अ सोर्स लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप हो गया और मिसकंसेप्शन यहीं से बिल्डअप होना शुरू होता है। जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह मूव करने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो चलो देखें क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा और ये डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी और आयन से जाके टकराएगा। इस बीच वो अपने प्रीवियस पाथ से और थोड़ा डेविएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर एक आयन से कोलिजन होगा और इस बीच थोड़ा और डिफ्लेक्ट करेगा। अल्टीमेटली वो यहां पहुंचेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अब वो यहां पहुंचा, मतलब वो अपनी जगह से थोड़ा ड्रिफ्ट किया। द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड
moves randomly in this path. And the same electron under the influence of electric field moves in this path within the same time interval. And the drift we witness during this course of time is this much. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ड्रिफ्ट करता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं वो स्पीड बहुत कम होता है और इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. तो स्पीड के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड दैट्स वेलोसिटी, मोर प्रिसाइसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी. And it is constant for a given electric field. And this drifting of electrons contributes to current. तो अब समझ में आया, स्विच ऑन करने पर चार्जेस डायरेक्ट स्विच से बल्ब तक तुरंत नहीं पहुंचता है, बल्कि स्विच और बल्ब को जोड़ने वाले वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं. स्विच ऑन करने पर इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है जिसका इफेक्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक साथ पड़ता है. सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं. स्विच के पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बल्ब के पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वायर के बीच में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं. और आप लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2000 सेकेंड में सिर्फ 20 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट करता है, मतलब लगभग आधे घंटे में जस्ट 20 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट करता है. और टिपिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10^-4 मीटर्स पर सेकेंड इस रेंज में होता है. और हम लोग क्या ना क्या सोचते थे. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम लोगों ने कर लिया है क्रिस्टल क्लियर. अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच एक रिलेशन को समझेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल. हास्ता ला विस्ता.